الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة, 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 والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله फ़िन तवल फ़क़ूल उशहदूब मसलिमू याबिल जूना फ़ी इब्राहीम वम उजलती तवरत वाल जीलम बैदी अफलात अखिलीम वन रसून नबीलकरी वरमिन शाहन व शाक़रीन वहमीन सुर आल इमरान की आयत नंबर चौंसठ और पैंसठ की तिलावत की इससे पहले अल्ला तबारक ताल ने जो चीज़ें बयान की, वो यहूद नसारा के हालात बयान किए उनसे मुनाजरे की कैफियत बयान किए दलाइल बयान किए हैं उनका रद्द फरमाया और वो मुनाजराना रंग था अब अल्लाह तबारक बड़ी हमतों के साथ बड़े लतीफ़ पैराए में यहद नसारा को दावत इस्लाम देने की तलकिन फरमाता अपने महबूब को अः महबूब आप फरमा दे कुल अः महबूब आप फरमा दें यह हल्कताब ए किताब वालो आसमानी किताब वालों यानी जो तौर तर इजल को मानते हैं अल्लाह तबारक तारा ने यहूद नसारा को दावत इस्लाम पेश करने का एक तरीक़ा अपने महबूब को सिखाया और वो एक कि अ महबूब आप इन लोगों को यूँ दावत दें कुल महबूब महबूबा से कह दें या हल किताब ए किताब वालों अब देखें हमारा लक़ब जो है ना वो यादन आमनू हैं हम याहीद्दीन आमन वाले हैं कुछ क्लियाल काफिर अयूहल काफरन है एहलमशरकुन हैंनास हैं कुछ अब एयून्नास में सारे आ जाते हैं और एयूहल काफिरन में सिर्फ कुफ़ार हैं य्यूलमशरकुन तो है ही नहीं लेकिन य्यूल का आफरुन है मशरकिन का जिक्र हो तो मशरकिन सारे आते हैं और अहल ईमान का तो, तो यह लद्दिन अमनू का आ जाता है अब ये भी तो ऐसे ही हैं शिरक कर ही रहे ताला के साथ हर तीसा की इबादत करते हैं मरियम को खुदा मानते ईसा को खुदा मानते हैं यहूदी हरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा और यानी कि खुदा मानते और उसकी इबादत करते हैं तो शिरक तो यहाँ भी हो रहा है तो इनको मशरकिन में ये यह, याहल यह, मशरकिन नहीं फरमाया बल्कि और या यल का भी नहीं फरमाया बल्कि फरमायाहल किताब चूँकि उन्हें हरत मूसा और हरत ईसा अलीसलातसलीम से एक नस्बत हासिल है उसी नस्बत का लिहाज फरमाते हुए अल्लाह तबारक तौला ने कि जैसे भी हैं नस्बत वाले हैं तो अल्लाह ने फरमाए यहाल किताब ए महबूबा फरमा दें किताब वालों और इसमें उनके दिल को करीब करना भी है और वैसे भी देखें तो कुफ़ार मुशरिकीन एक अलग कम्युनिटी है और यहूद नसारा और मुसलमान ये थोड़े बहुत सेम सेम कम्यूनिटी वाले हैं थोड़ा बहुत ही सही यानी कि अब बदल गया वरना तो सेम कम्यूनिटी थी हमारी एक ही दिन चला रहा है दीन इस्लाम हत आदम से लेकर आज तक तो हर एक का दिन वही दिन है लेकिन यह कि कम्यूनिटी में फ़र्क ये है कि इन्होंने अपना दीन चेंज कर डाला इन्होंने अपने दीन में बहुत सी तहरीफ कर डाली बहुत से एहकाम को बदल दिया अल्लाह ने उज़ैर इस्लाम को भेजा था तबलीग के लिए इन्होंने खुदा बना डाला हत उज़ैर को हत ईसा को अल्लाह ने अपना बंदा बना कर भेजा तो हत ईसा ने पैदा होते ही पैदा होते ही आपने झूले में यानी कि कलम किया और पैदा होते ही कहा था इन्नी अब्दुल्लि व रसूलू मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ लेकिन इन्होंने बाद में चल कर हत्या को भी खुदा बना दिया और ये सारे हालात के पेश नज़र अल्लाह तबारक वाली ने हमारे ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट अहकाम नाज़िल फ़रमाए इस तल्ल से अकायद के तालक़ से बार बार अपने महबूब से कहलवाया कुल इन न माना बशर महबूब कह दो ना मैं तुम्हारे जैसा हूँ खुदामत समझ लेना है ना अगर मेरे मुआजात देख कर है न मैं चांद दो टुकड़े कर दूँ डूबे हुए सूरज को पलटा दूँ हरत इब्राहिम ने कहा था नमरूद से नमरूद ने कहा भाई तुम्हारा खुदा कौन कहा मेरा खुदा वो है कि जो मुर्दों को जिलाता है जिंदों को यानी कि जिंदगी देता है मुर्दों को भी जो है मौत देता है मुर्दों को जिलाता है जिंदों को मौत देता है तो जिलाने मारने वाली ज़ात वो अल्लाह की ज़ात है तो नमरूद ने क्या वो तो मैं भी कर सकता हूँ पूरी तफसीर गुजर चुकी है हमारी ना वो तो मैं भी कर सकता हूँ और उसने एक वो बंदा कि जिसे मौत की सज़ा हो चुकी थी उसे छोड़ दिया देखो मरने वाला था मैंने ज़िंदगी दे दी और जो बंदा छूटने वाला था है ना ज़िंदगी पाने वाला था उससे कत्ल कर दिया क्या देखो जिंदा रहने वाला था मैंने मार दिया तो मौत तो हयात तो मैं भी दे सकता हूँ तो हत इब्राहिम ने कहा था खुदा वो है कि जो सूरज को मग़रब से निकालता है मशरक से निकालता है सूरज को मशरक से निकालता है अगर तू खुदा है तो मगरब से निकाल के बता अब हुजूर ने मग़रब से निकाला सूरज डूबा अल्लाह के रसूल ने फिर निकाला निकल तो निकल आया है ना दो मुजात हैं सरकार के सूरज के हवाले से एक ठहराने का मजदा के रोक दिया और एक पलटा दिया वापस पलटा के रुक वापस आ तो सूरज डूबा हुआ सूरज वापस पलटा हत अली की असर की नमाज के लिए है ना तो कहने की बात यह कि और जो रुकाया है अल्लाह के रसूल ने सूरज को यानी रोक दिया वो आ, उस वक्त जबकि महाराज से आप तशीफ लाए थे कुफ़ार मक्का ने सवाल जवाब किए हैं तो उन सवाल में एक सवाल यानी सरकार ने उनकी निशानियाँ बताई थी कि भाई रास्ते में तुम्हारे तीन काफ़ले मुझे मिले थे फ़लाँ काफिला फ़लाँ काफिला और उनमें एक काफिला जो है वो यानी कि कल शाम को पहुँचेगा फ़लाँ दोपहर में पहुँचेगा फ़लाँ यानी परसों पहुँचेगा ये हालात बता दिए अब वो इंतज़ार में कि इन्होंने बताया है तो चलो देखते हैं काफ़िला आता है कि नहीं अब शाम हो गई दूसरा दिन था आपने फरमाया कल तक तुम्हारा काफ़िला पहुंचेगा अब शाम होने आई है और अभी तक काफिला पहुंचा नहीं है उनका ऊँट गुम हो गया था एक का ऊँट गुम हो गया था सरकार ने वो भी ख़बर दे दी कि एक का ऊँट गुम हो गया तो वो लेट होंगे यानी वो भी बता दिया अब ये कि ये पहला काफिला है कल आएगा अब ये वेट कर रहे हैं पूरा दिन वेट कि आया नहीं आया नहीं शाम हो गई अब सूरज डूबने वाला यानी कि कल गायब होने वाला है सरकार फरमाता कल आ जाएगा आया नहीं है तो ये तो झूठ साबित हो जाएगा अब हर कोई इंतजार में है कि काफिला अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई फरमाए सूरज अल्लाह सूरज को रोक दे अल्लाह ने सूरज रोका काफिला आया फिर सूरज डूबा है काफिला आ गया फिर सूरज डूबा तो ये भी एक मौजज़ा है बहरहाल तो सूरज निकाला अब कोई खुदा ना मान ले कोई खुदा ना समझ ले पेड़ों को बुला लिया है ना वो भी ये नहीं कि खुद ने बुलाया पेड़ इधर ऐसा नहीं बंदे से कहा जाकर तू बोल के रसूल बुला रहे हैं रसूल बुला रहे हैं अच्छा फिर ये क्या आपने ये कलिमात क्या ना जाकर तू बोल ये नहीं कि मोहम्मद बुला रहे हैं ये नहीं क्या जाकर बोल के रसूल बुला रहे हैं पता चले कि रसूल भेजे हुए हैं और जिसके भेजे हुए हैं वो खुदा हैं मैं खुदा नहीं हूँ तो क्या क्या जा पेड़ को अब वो पेड़ चलता हुआ अपनी जड़ों से उखड़ा चलता हुआ आ गया भाई किसी को हो सकता था जो पेड़ों की इबादत करते वो समझ सकते थे कि जिसे हम पूछते थे वो भी जिसका हुक्म मानते वही खुदा होगा तो हुजूर की इबादत हो जाती यानी खुदा मान लेते हैं तो अल्लाह ने बड़े स्ट्रिक बार बार कहलवाया कुल इन न माना बशर मिसा में महबूब में फरमा दें ना इनको समझा दें कि मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूँ मैं खुदा नहीं हो सकता हतिसीसलाम ने मुर्दों को जिंदा किया कोड़ियों को अच्छा किया अंधों को अच्छा किया शिफाएँ दी तो लोगों ने खुदा बना दिया इतने से काम में खुदा बना दिया तो रसोल्ला ने तो पता नहीं क्या क्या किया इतने सारे मोजेसात तो एक यानी कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता उम्मत के लिए और कुछ लोगों के लिए अल्लाह तबरक तारा ने उस शक़ को पहले ही दूर फरमा दिया तो ये हमारे लिए जो है अहले यानी कि अहले ईमान का खिताब है इनके लिए अहले किताब का खिताब है किताब वालों तो है तो मशरकिन लेकिन फिर भी एक खसूसियत रखी कि ये अलग है हैं मुशर शिरक़ करते हैं लेकिन फिर भी अलग है कि हैं कि आसमानी किताबों को मानते हैं फ़रिश्तों को मानते हैं और क़यामत के दिन को भी मानते हैं इनका आखिरदा क़यामत के दिन पर भी है जन्नत जहन्नम नंबर पर है हिसाब किताब पर भी है ये सब कुछ मानने वाले ये किताब अल्लाह अल्ला की किताब मानते हैं अल्लाह के नबियों को भी मानते ये और बात है कि किसी का इनकार करते हैं जैसे कि यहूद और नसारा दोनों ने हुजूर का इनकार किया और यहूदियों ने ईसा हथसीम का इनकार कर दिया है ना यहूदियों ने हथ समान इस्लाम हतमान तो इस्लाम को भी है ना नबी नहीं माना उनका भी इनकार कि वो नबी नहीं थे वो तो जादूगर थे अल्लाह ने कुरान में उनकी भी तरदीद फरमाई और फरमाए कि वमा कफ़रसली वरकिन शयातीन कफ़रु युआम शहर है नत ना, ना, तो समान काफिर नहीं थे बल्कि शैतानों ने कुफ़्र किया और शैतान ने शैतिन ने क़्र किया वो लोगों को जादू सिखाते थे, थे। हतमान तो जादूगर नहीं थे तो ऐसे यानी कि अल्लाह तबारक तौर ने बहुत से लोगों की तरद फरमाई है और इससे पता चलता है कि मुनाजरा करना हक हकानियत इस्लाम पर दलाइल पेश करना बदमजहबों का रद्द करना है ना अम्बिया मरसली की नामुस उनकी इज्जत वजमत का दिफा करना ये सब अल्लाह की सुन्नत है ये सब अल्लाह की सुन्नत है है ना अब अगर कोई बंदा ये काम करता है तो ये नहीं कह जाएगा यह तो बहुत हमेशा बस झगड़े की बात करता है नहीं ये झगड़े की बात नहीं है ये हक की बात है और जब हक बोलता है तो लोगों को कड़वा लगता ही है अल्लाह के रसूल की हदीस मुबारक का सरकार फरमाता है हक को मुर्रन हक कड़वा होता है है ना अबे दुनिया वाले भी कहते हैं कि हक कड़वा होता है हक बात जो थी वो कड़वी होती है और जब हक बात बोली जाए तो अच्छे अच्छों को मिर्चियाँ लग जाती है है ना हक बात बोलो अच्छे अच्छों को मिर्ची लगेगी क्यों इसलिए कि हक कड़वा होता है है ना तो बंदा हक बात सुनने की सलाय के ज़्यादा ताकत नहीं रखता है जहाँ हक बात हाँ उसकी हाँ में हाँ मिलाते जाओ तो उससे बड़ा अच्छा लगता है तब बड़ा अच्छा लगेगा लेकिन जितने भी अल हक होते हैं उनका शेवा यह होता है कि वो हक पर कायम रहते हैं जिसको बुरा लगना हो लगे और जिसको जो जैसा समझना हो वो समझे लेकिन हक हक होता है तो बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि यानी कि अल्लाह के रसूल रसूलसम हक पर थे आपने हक की दावत आम की है और हमें भी ये तालीम दी कि हम भी हक बात को आम करें तो अल्लाह ताला ने इन्हें अहले किताब फरमाया ए महबूब फरमा अहले किताब तालो इला कलिमतिन सवाइम बीना ना वे तालो तालव आ जाओ तालव का माना है आ जाओ है नौ आ जाओ इला कलीमतिन एक कलमे की तरफ एक ऐसे कलमे की तरफ इला कलीमतिन एक ऐसे कलमे की तरफ और कलमा बात को भी कहते हैं वैसे कलमे का माना वर्ड होता है कलमा अरबी में कलमा कहते हैं वर्ड को एक वर्ड लफ्ज़ शब्द उससे कहते हैं कलमा लेकिन कभी कभी कलमा कह कर पूरी बात भी मुराद होती है पूरी बात भी मुराद हो जैसे हम कहते हैं कि भाई कलमा पढ़ो तो आप सिर्फ कहेंगे अल्वाला नहीं ये सब वर्ड है ला एक वर्ड है इलाह एक वर्ड है इल्ला एक वर्ड है अल्लाह एक वर्ड है मोहम्मद एक वर्ड है रसूल एक वर्ड है अल्लाह एक वर्ड है ये सारे यानी वर्ड्स मिलकर यानी एक एक कलमा तो तो ये सारे अलग अलग कलमा हैं और उन सारे कलमों से मिलकर फिर एक कलाम बना है एक बात बनी बात को कलाम कहते हैं लेकिन कभी कभी कलमा बोल कर भी बात मुराद होती जैसे कि कलमा कहते हैं ला इलाहा है मुराद होता है इसी तरह से यहाँ भी अल्लाह ने फरमा, इला अल्लाउिन आ जाओ उस एक कलमे की तरफ सवाम सवाम जो बराबर है बैना ना हमारे व और तुम्हारे दरमियान हमारे तुम्हारे दरमियान जो बराबर की बात है बराबर की बात है उसमें चलो आ जाओ मिल जाते हैं चलो आ जाओ मिल जाते हैं उस बात में जो तुम्हारे और हमारे दरमियान बिल्कुल मुश्तरक है एक है तो कदर मुश्तरक में इन्हें दावत दी गई और वो कदर मुश्तरक क्या कहने की बात ये है कि यहूदियत हो नसरानियत हो तौर तो या अंजिल वैसे यहूदीत हो नसरानियत में मानने में बहुत सा फ़र्क हो गया वो लोग तसलीस यानी कि ट्रिनिटी का अकदा मानने लगे तीन खुदाओं को मानने लगे है ना और हथे यहूदियों ने हथेजार को खुदा का बेटा माना हथे ईसाई ने हथे ईसा को खुदा का बेटा माना हते मरियम को, को अल्लाह की बीवी बना दिया है ना रूहुल कुद्स को भी शामिल कर लिया कुछ लोग ट्रिनिटी के अकीदे में भी तसलीस का अकीदा तीन खुदाओं का अकीदा उसमें भी है ना दो ग्रुप हैं एक ग्रुप वो कहता है कि एक अल्लाह है अल्लाह ताला एक ईसा और एक मरियम ये तीन खुदा हैं एक कहता नहीं एक अल्लाह एक ईसा एक रूह कुद्स अत जिब्राइल ये तीन खुदा हैं है ना तो इन्हों इनके यानी भी दो ग्रुप हो गए बहरहाल लेकिन आप तौरे पढ़ लें इंजील पढ़ लें तो तौरे तो इंजील में कहीं भी चैलेंज के साथ कहीं भी हज़रत ईसा को खुदा नहीं कहा गया जिल में तो औरत में कहीं भी हज़रत उज़ैर को ख़ुदा नहीं कहा गया और ना कहीं उन्होंने ये कहा ना अल्लाह ने कहा ना उस किताब में लिखा हुआ मौजूद है कि तुम उजैर की इबादत करो या तुम सलेब की इबादत करो यानी क्रॉस की इबादत करो ना ये लिखा है कि ईसा इलास्म की इबादत करो ये कहीं पर भी मौजूद नहीं उसमें ये चीज़ है ही नहीं आप देखें कुरान पूरा कुरान पढ़ लें आपको मिलेगा अल्लाह की इबादत करो अल्लाह की इबादत करो अल्लाह की इबादत करो अब तो इंजील पढ़ेंगे ना तो इंजील में आपको ये अल्लाह की जगह इन्होंने चेंज किया वर्ड को चेंज किया या हो सकता है कि उनके ज़माने में यही वर्ड अल्लाह के लिए यूज़ किया जाता हो जैसे फारसीयों के यहाँ खुदा है ना आज भी आप फारसीियों के जहाँ यानी कि मजूसियों ये जो पारसी हैं है ना इस पारसियों के यहाँ जाएँ आप तो ये अपने हर काम से पहले है ना ब नाम खुदा लिखते हैं वो भी उर्दू में लिखते हैं ब नाम खुदा ऐसा नहीं कि गुजराती इंग्लिश में लिखते हो उर्दू में लिखते हैं जैसे बिस्मिल्लाह लिखते हैं वैसे वो ब नाम खुदा लिखते हैं अपनी डायरी नोट जो भी शुरू कर, कर रहे हैं काम शुरू करें ब नाम खुदा वो लिखते हैं खुदा के नाम से तो खुदा उनके नज़दीक अल्लाह के माना में है महबूद के माना में है इसी तरह से हो सकता वहाँ ईसाइयों के जमाने में उनकी लैंग्वेज में है ना बाप कहा जाता हो खुदा को हो सकता है फादर कहा जाता हो बाप कहा जाता हो मुझे तो ये लगता है कि इन्होंने बाद में चेंज किया फादर फादर शुरू कर दिया है ना अब अब कहते हैं अरबी में बाप को तो इनकी इंजील और यानी ये जितनी किताबें हैं ये इसकी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई मरतबा ख़त्म कर दी गई थी बुख्त नसर नाम का एक बादशाह था उसने ईसाइयों पर हमला करके बिल्कुल कत्ल आम किया और इंजील को बिल्कुल चला ख़त्म कर दिया है ना इंजील का नामो निशान नहीं रहा इसी तरह तोरेत भी ख़त्म हो गई थी कोई नामो निशान नहीं था तो हो या इंजील हो ये किताबें बाद में बाद में किसी ना किसी नबी के ज़रिए से यानी कि वो बातें सुन के जमा हुई तो अब उसमें यह है कि बहुत सी बातें यानी बात के लोगों ने जमा की जैसे इंजील को बाद में हत ईसा के चार शागिरदों ने जमा किया तो जब चार शागिरदों ने जमा किया ना वो चार जो उनके थे मानने वाले ईमान वाले उन्होंने जमा किया और जमा किया तो फिर वो क्या किया उन्होंने ईसा सिर्फ अल्लाह का कलाम जमा नहीं किया उसमें ईसा की तालीमत भी आ गई यानी कुरान हदीस दोनों जमा हो गए कुरान हदीस दोनों जमा हो गए ईसा का आ, की तालीम और अल्लाह का कलाम दोनों मिक्स हो गए हैं और फिर कुछ बात ईसा ने समझा भाई ये फलाँ थे ये फ़लाँग थे वो भी शामिल हुआ और साथ ही साथ इनके यहाँ जो चला आ रहा था नस्ब कि ये हत ईसा इस्लाम इन इनके बेटे इनकी औलाद है या ये बनु इसराइल के ज्ञान ये नसब है हत समा इस्लाम का ये नसब हत दाऊद का ये नसब हत इब्राहिम का ये नसब नसबत आदम हत नूह की ये औलाद इनके ये ये इनके इनके इनकी इतनी पुश्तें इतनी नस्लें वो सारे लोगों के नाम उनके वाक़ सब कुछ कुरान के बहुत से वाक़त आज भी इन जिल और तौरित में मौजूद हैं आज भी मौजूद हैं आप आज भी तौर पर इनजिल को देखें तो वो वाक़त जो कुरान ने बयान किए वो वाक़त तो उसमें भी मौजूद हैं थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है मिसाल के तौर तो पर हत इसल की कुरबानी कुरान ने हत इसल का जिक्र किया उन्होंने इस्माइल चेंज कर दिया इसलिए कि इस्माइल उनके थेकिंग तो उन्होंने इस्माइल को हटाया इस हाँ को रख दिया कहते इब्राहिम ने हत इसक की कुर्बानी दी कुर्बानी का पूरा वाक़ा है लेकिन नाम चेंज कर दिया इसहाक़ कर दिया इब्राहिम के इस्माइल के ज़रिए इसी तरह से कौम लूत का पूरा वाक़ आपको तो, इंजील और तौरात पर मिल जाएगा पूरा वाक़ा है ना कौम लूत इस्लाम का उन पर कैसे अजाब आया सेम कुरान का वैसा ही उनका भी तो ऐसे बहुत से वाक़ हैं जो कुरान ने बयान किए वही इंजील में भी है वही तोरेत में भी मौजूद है क़दर मुशतरक है लेकिन यहाँ जो दावत दी जा रही है कलमतिन सवाय बैनोबिन आ जाओ एक ऐसी बात पर हम जमा हो जाएं जो हमारे तुम्हारे माना एक है वो ये कि तौर तो इंजील की तालीम और कुरान की तालीम ये बताती है कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है खुदा एक है वो खालिक है उसी की इबादत की जानी चाहिए उसके सिवा कोई मबूद नहीं तो उस एक कलमे की तरफ़ दावत दी जा रही है कि आ जाओ हम एक हो जाते हैं इस बात पर एक हो जाते हैं मुतफिक हो जाते हैं फिर इस्लाम कबूल करना न करना वो बात की बात है लेकिन कम से कम तुम उन काफिर और मश्रकिन का साथ तो मत दो उनके साथ तो मत जाओ लेकिन यहां दावत इस्लाम यूं दी जा रही है कि इसे एक बात पर जब जमा होंगे ना कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं तो अब ये मैं आखिरी रसूल हूं अल्लाह ने मुझे भेजा है अल्लाह ने मुझे मैं अल्लाह का पैगाम लेकर अल्लाह ने ईसाइयों के यानी ईसा के बारे में ये कहा तो उज़ैर के बारे में ये कहा था तो मूसा के बारे में ये कहा अब सोचें जितने यानी ऐसे लोग थे जितने पादरी थे थे यहूदियों के और थे जो ईसाइयों के औरमा थे वो जानते थे अंदर से जानते थे अंदर बातें चल रही थी दिल के अंदर ये बातें चलती थी कि सच्ची बात है बातें सच कह रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट बात है लेकिन बात खतरा ये था जैसे आजकल के पीरों को ख़तरा होता है कि आलिमों की सुनने लगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी है ना आलिमों के बातों पर अमल करने लगे अगर इनके साथ हुए के साथ यानी हमने आ, 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 को आलिमों तक जाने दिया तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी हमारी घराकी बंद हो जाएगी ये तो औरतों को आने ही नहीं देंगे हमारे पास हमको तो औरतें ही ज़्यादा लानी हैं अपने पास है ना ये तो हाथ चुमने ही चुमवाने ही नहीं देंगे औरतों से हमको तो हाथ पैर सब चुमवाने इनसे ये हाथ पैर चूमेगी तभी तो नाट डाल कर जाएगी ये नहीं आएगी तो मर्द को इतना इंटरेस्ट नहीं होता थोड़े से मर्द होते हैं जो जाते हैं बाकी तो ज़्यादा मर्दों को नहीं लेकिन ज़्यादातर औरतें इसमें मुब्तला होती हैं और भीड़ लगी रहती है औरतों की बाबाओं के पास तावीज़ दो रहा ये वो फड़ानी ने ऐसा कर दिया है ना मुझे लगता है कि मेरे घर पर कुछ असर हो गया किसी किसने कुछ करवा दिया तो जाहिर सी बात यह आपकी कमज़ोरी है पकड़ ली गई पकड़ ली गई और आप पकड़ कर फ़ौर हाँ है कोई औरत है उसका नाम ए से शुरू होता है यह ऐसा शुरू होता है अब खानदान में देख लेना कोई ना कोई तो ये नहीं ऐसा होती ही होगी <laughs> पर खानदान में तो कोई होगी ना ना तो आपका शक हालांकि इस ये शक है ये इस तरह का बोलना ये जायज़ ही नहीं है शरीय ने जायज़ नहीं रखा और अगर बोल दिया तो इस पर यकीन करना जायज़ नहीं है इस पर यकीन करना जायज़ नहीं है और यहाँ तो बात यह है कि फिर हमारी उससे दुश्मनी हो जाती है हाँ उसी ने बाबा ने कहा है उसी ने करवाया है है ना उसी ने करवाया कभी देरानी कभी जेठाणी क्या और कभी किसका भाभी क्या नलन का किसी ना किसी का नाम निकल आता है खानदान में तो कोई होता ही है कि यानी अब खानदान भी बड़ा हमारा हो, बड़ा होता है ना कहाँ तक पहुँचा होता है चाचा और मामा की औलादें और ये वो फ्रांडी का तो पूरे ख़ानदान में हम देखते हैं कि ये कहाँ से शुरू होता है और उस वो कैसा मेरे साथ रहता है बस लग गया शुरू क्या इसी यही मेरे से बहुत जलती है कभी कभी होता है कि वो सामने वाली जो रहती है अब मेरे पड़ोस में रहती है ना वो लगता है ऐसा सब करवा रही है इसलिए कि वो बहुत जलती है मेरे से भाई तू उससे जलती है वो नहीं देख रही है तू उससे जल रही है वो नहीं भाई तू जलती है ना तभी तुझे एहसास हो रहा है कि वो मुझसे जलती है अगर तू उससे नहीं जलेगी ना तो तुझे एहसास भी नहीं होगा कि वो मुझसे जलती है इसलिए कि तेरा जैसा सलूक होगा हो दूसरों के साथ तेरे साथ भी वैसा ही सलूक होगा है ना हमारे सलूक ऐसे होते हैं कि आजकल के यानी जमाने के अतबार से कि हम जैसा पाते हैं वैसा करते हैं जैसा पाएंगे वैसा हम करेंगे जैसी करनी वैसी भरनी ये हमारा हाल हो गया हालांकि इस्लाम ने उससे भी अच्छी तालीम दी है कि जो जैसा करना चाहे करने दो हम तो अच्छा ही करें हम तो अच्छा ही करेंगे इस्लाम की तालीम बहरहाल हालांकि इजाज़त दी है शरीय ने कि जजाओ सिन सैया है ना बुराई का बदला बुराई से जितना उसने आपको तकलीफ़ दी बुराई की आपके साथ आप भी उतनी बुराई उसके साथ कर सकते हैं इजाज़त दी लेकिन अल्लाह आगे फरमाता था हाँ लेकिन माफ़ कर देना इससे भी अफजल ज्यादा सवाब वाला अल्लाह को ज्यादा पसंद तो फिर क्यों ना वो काम करें जो अल्लाह को ज्यादा पसंद है बहरहाल तो कहने की बात यह कि इनकी दुकानें बंद हो रही थी यहूदियों की है ना ये तो दिल में था क्या सच बायदा यहाँ यह, तक होता कि जो ग़रीब यानी कि फ़कीर ग़रीब टाइप के लोग आते हैं ना मजदूरी करने वाले गरीब लोग ईसाई गरीब या यहूदी गरीब वो आकर कहते हैं कि आप क्या आलिम के पास आते हैं कहते हैं आप क्या फरमाते हैं जो एलान ने किया उनके बारे में आप क्या फरमाते हैं कि वो कहते हैं नहीं हमको तो हाँ यह, लगता है कि वो है सही अगर चाहते हो तो ईमान ले आओ उन पर ईमान ले आओ हाँ वो है परफेक्ट है सही है बरहक है सही है वो नबी हैं वो गरीबों को समझाते मालदार आ जाता क्या कहते तो हैं इनके बारे में अरे झूठा है ऐसा कुछ है ही नहीं हमारी किताब में जो निशानियाँ दी गई है वैसे हैं ही नहीं वो ऐसे हैं ही नहीं अच्छा दूसरी बात ये कि आजकल हमें कुरान अवेलेबल है हर एक को लेकिन उस ज़माने में सिर्फ और के को पता कि किताब में क्या है में में क्या, में क्या, सिर्फ को पता अवाम को कुछ नहीं पता तो जो ये बोल हैं वही वही होगा और दूसरा ये नजदीक कि जो यानी पादरी होता वो पादरी जो है ना, उनके का मालिक वो जो कह दे वो हो जाए जो कह दे यानी आपके लिए कह दिया कि इस पर आपको सौ कूड़े मारे जाएंगे तो आपको सौ कूड़े मारना अब जरूरी है आपकी शरीय में सजा है और वही काम वही गुना अगर किसी मालदार ने कहा भाई आप हजार रुपये जमा कर दो आप हो गई सजा वो हज़ार रुपया जमा कर दे उसके लिए वही सजा है कोई चूँ भी नहीं करता कोई चूँ नहीं करने वाला कोई पूछने वाला ऐसा क्यों कि उसको सौ कोड़े और उसको एक हज़ार दे ऐसा क्यों कि गरीब को सौ कोड़े मरवाए गए और उससे एक हज़ार लेकर छोड़ दिया गया कोई पूछने वाला भी नहीं क्यों इसलिए कि उनकी नज़र में वो बहुत मुकद्दस इतना मुकद्दस कि वो बोल दे बात ख़त्म फाइनल लास्ट बात उसकी जबान से निकली बात बात ख़त्म हो गई है ना वो इतना ज़्यादा उसे अहकाम का मालिक समझते थे है ना रब समझते थे मालिक समझते थे आगे वो बात भी आ रही है तो इस वजह से उनके यहाँ ये सारा सिस्टम था तो यहाँ इन्हें दावत दी गई कि आ जा उस एक बात पर जमा हो जाए कि जो तौरेत इंजील कुरान सब की एक ही तालीम है और वो क्या बात है अल्लाह आगे फरमाता अल्लाह ने अबूद कि हम अल्लाह के सिवा किसी को मबूद ना माने अल्लाह ने अबूद ला अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें एक नंबर एक हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें वला नश्री कभी ही शैया और ना हम उसके साथ किसी को शरीक ठहराए अल्लाह के साथ हम किसी को शरीक भी ना करें बाज़न अरबाब बाबा मिन्दून तीसरी बात ये कि हम एक दूसरे को हम में से कोई एक कोई किसी दूसरे को अल्लाह के सिवा है ना रब ना बना लें रब मतलब मालिक अहकाम का मालिक ना बना लें इनके सिस्टम आप ईसाइयों के यहाँ देखें उनके यहाँ एक ऐसा कैबिन बना होता है गुनहगार गुनाह करके जाता है ना उस कैबिन के अंदर और कैबिन के अंदर जाकर जो है वो पर्दे के पीछे पादरी बैठा होता है, पा, है पादरी ही है ना लेकिन वो जाकर फिर कन्फेज करता है कि मेरे यानी मैं बहुत अफसोस कर रहा हूँ पछतावा हो रहा है मैंने मुझसे ये गुनाह सरसद हो गया आ, ए फादर मुझे माफ़ करवा दें मेरी तोबा यानी कि माफ़ अब वो तोबा के अल्फाज होते हैं मैं तौबा करवा दी कन्फेज़ कर रहा है यानी कि अपने जुर्म का अकरार कर रहा है पादरी उधर बैठा है वो सब सुन रहा है और सुनने के बाद फिर कहता है कि गॉड तुझे माफ़ करे या जा तुझे माफ़ कर दिया कभी कभी होता है कि इतना ये दे दो वो कर दो फना कर दो तो फिर ये गुनाह तुम्हारा माफ़ है तो ये कह दिया तो अब ये गुनाह इसका माफ़ हो गया ये चला तो बंदे बंदों को कितनी आसादी मिल गई कि बंदे गुनाह करें पूरा हफ़्ता गुनाह करते रहें संडे को जाएं चर्च कैबिन में घुसें कन्फ्रेंस करें या जब भी गुनाह करें कैबिन में आ जाए आकर जो है वो अपने गुनाह का इकरार करे और माफ़ी मांगे पादरी कहेगा ठीक है माफ़ किया चलो जाओ वो गुनाह साफ़ हो गया है ना तो ये इस तरह यानि कि गुनाहों को भी माफ़ करवाते हैं इसी तरह से वो अहकाम का जैसे उन्होंने बताया वो अहकाम का हाकिम और मालिक समझते थे पादरियों को कि जो पादरी कह दे वही अल्लाह का हुक्म है ये अहकाम के मालिक हैं ये समझते थे इसी बात को अल्लाह ने फरमाया कि एक दूसरे को तुम है ना अल्लाह के सिवा रब ना बना लो यानी कि अहकाम का मालिक ना बना लो <coughs> फ़ैन तवल फ़क़ुलश हदुब्यासलिम अगर वो मुँह फेर लें तो ए महबूब तो ए लोगो तुम कह दो कि ए लोगो असाइयो अ यहूदियों तुम गवाह हो जाओ कि हम तो खालिस पक्के सच्चे मुसलमान हैं हम तो खालस मुसलमान हैं अब यहाँ देखें ये तीन अक़ीदे बयान किए गए हैं तीन अकीदे हैं न बल्कि तीन अक़दे नहीं यूँ कह लें कि दो अमल हैं और एक अकीद एक तो है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें अल्लाह ने आबूद हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें इस पर जमा हो जाए तो चूंकि वो अल्लाह के सिवा की इबादत करते थे है ना क्रॉस की इबादत करते हैं स्लेब सामने निशान लटका होता है उसके सामने सजदा करते हैं उसके सामने झुकते हैं अल्लाह ने इससे भी मना फरमाया कि किसी की इबादत अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न की जाए है ना अब हमारे यहाँ शरीत इस्लाम अगली उम्मतों में अगली उम्मतों में सजदा करना हलाल था जायज़ था सजदा करना तज़ीम का सजदा करना जायज़ था यानी कि कोई को बंदा किसी को बड़े को तज़ीम का सजदा कर सकता था जैसे कि आप कुरान ही में देख लें हत यूसुफ़ कहते हैं, हैं याबती बती इन तो अहद अशर कब शमस वम ली साजिदीन ए मेरे अब्बा हत यूसुफ़ अपने वालद याकूब से कहते हैं हत याकूब से कहते हैं अब मैंने ख्वाब देखा कि ग्यारह सितारे अहद अशर कौ कबा ग्यारह सितारे चांद और सूरज ये सब मुझे सजदा कर रहे हैं चांद सूरज और ग्यारह सितारे ये मुझे सजदा कर रहे हैं ये मैंने ख्वाब में देखा है ना तो आपके वालिद याकूब ने कहा था या ये ला तख ला तख अला अलाखती का ए, आ, बेटा ये बात अपने भाइयों से मत बताना अपने भाइयों को मत बोलना है ना इसलिए कि शैतान बड़ा खुला हुआ दुश्मन है वो तुम्हें यानी कि शैतान जो है वो वो तुम्हारे भाइयों से दुश्मनी करवा देगा कुछ ना कुछ नुकसान पहुँचवाएगा तो बहरहाल यहाँ अब ये इन्होंने ख्वाब देखा था बचपन में लेकिन इसकी ताबीर पूरी हुई कब बड़े हुए मिस्र के बादशाह बन गए मिस्र के बादशाह बन गए फिर उसके बाद ये ग्यारह के ग्यारह भाई आपके हाज़िर हुए आपके माँ बाप भी हाज़िर हुए और सब ने आपके सामने सजदा किया है सब ने आपके दरबार में आकर आपको सजदा किया

लेकिन शरीयत इस्लामिया में सजदे की हरमत आ गई ताजिम का भी सजदा नहीं कर सकते इबादत का तो हर, हर उम्मत में जायज़ नहीं है हराम है है ना बल्कि कुफर शिरक है लेकिन ताजिम का सजदा अगली उम्मतों में जायज़ था हमारी उम्मत में वो भी हराम हो गया तो अब अगर किसी के सामने हम अपनी पेशानी और नाक जमीन पर रखें उसके सामने ज़मीन पर रखें यह है सजदा यह है सजदा और यह हराम है सजदे तज़ीमी यह भी हराम हाँ तो अब अगर उसके सामने ज़मीन पर अगर हमने अपनी पेशानी रखी हराम है ये हराम काम है और ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो अपने सामने लोगों को यानी सजदा करवाते हैं या करवाते नहीं मतलब लोग आकर करते हैं लेकिन वो मना भी नहीं करते मतलब राजी हैं मतलब राजी हैं अपने आप को सजदा करने पर है ना तो यह सख्त हराम है बंदा काफिर मशरक तो नहीं होगा चूँकि सजद इबादत नहीं है ताजीमी है लेकिन वो हराम काम है गुनहगार होगा बंदा करने वाला भी करवाने वाला भी जो इसकी इजाज़त दे रहा है वो भी गुनहगार होगा तो बहरहाल हमारी शरीय में इसकी इजाज़त नहीं है कि कोई बंदा सजद तज़ीम करे हाँ लेकिन एक बात है कि एक बंदा जो है वो अपने माँ बाप के या अपने पीर के या आलिम के या किसी बुज़ुर्ग के अगर हाथ चूमने के लिए झुका या पैर चूमने आप माँ बाप के पैर कैसे चूमोगे माँ बाप से कहोगे पैर ऊपर करो ताकि मैं चूँ आप ऐसे खड़े रहोगे लाओ पैर लाओ ऊपर ताकि मैं चुम। नहीं अब पैर चूमने के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा झुकना भी पड़ेगा है ना तो पाँव चूमने के लिए अगर झुका और पैरों को चूमा इसमें कोई हर्ज नहीं है पैर चूमने में कोई हर्ज नहीं है है ना तो माँ बाप के पैर चूम रहा बंदा? है बंदा कोई हर्ज नहीं स्पेशल पैर चूमने के लिए उनको ना लिटाया जाएगा ना उनके दोनों पैर उठा दिए जाएंगे ना एक पैर उठाया जाएगा किला उठाओ मैं चूमना चाहता हूँ ऐसा नहीं है हाथ तो उठाया जा सकता है लेकिन पैर नहीं उठाया जा सकता पैरों के लिए आपको झुकना पड़ेगा तो बहरहाल इस झुकने में पैर चूमने के लिए झुका ये सजदा नहीं होगा इसको नहीं कहेंगे कि सजदा किया लेकिन ज़मीन पर पेशानी रखी अगर सामने समझ जाओ उसने सजदा किया अब उसने सजदा किया और यह हराम काम ये हराम काम है तो हमें इस फ़र्क को समझने की भी ज़रूरत है है ना कि ये फ़र्क सब समझे कि किसी बस ये फतवा लगा दें कि नहीं झुका झुकना हराम है भाई सिर्फ झुकना हराम नहीं है हाँ बहुत से काम करने के लिए हमको झुकना ही पड़ता है बहुत से काम करने के लिए हमको झुकना पड़ता है और तज़ीम के लिए झुके तो कोई हर्ज नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होने से भी मना फरमाया सरकार ने मना फरमाया है ना सरकार हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाए और जैसे ही आए साहबा खड़े हो गए सरकार ने कहा बैठ जाओ कोई खड़ा ना हो ये अजमियों का तरीका अजमियों की तरह यानी अजम के लोग जो हैं यानी कि यहाँ के लोग अरब के सिवा के लोग अजम के लोग अपने बादशाहों की ताजिम के लिए खड़े होते हैं तो मैं ये पसंद नहीं करता बैठ जाओ कोई खड़ा नहीं होगा सरकार ने मना फरमा दिया अभी हदीस में आ गया तो कुछ लोगों ने क्या समझा कि ताजिम के लिए खड़ा होना बिदत है शिरक है अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया नहीं ऐसा नहीं है खुद अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दी है और इजाजत हुक्म दिया है है ना अल्लाह के रसुल बैठे हैं सबा क़राम भी बैठे हैं है ना और मौका है यानी यानि किबिल बनु नज़ीर जो यहूदियों का कबीला था है ना उनके किलों को घेर लिया था उन्होंने शर्त रखी कि साद इबन मवाज़ जो हमारा दोस्त था पुराने ज़माने का वो हमारे बारे में जो फ़ैसला करेगा हमको मंजूर होगा हमको जंग नहीं करनी लेकिन हम आप फैसला करोगे हमारे बारे में ऐसा नहीं चाहते हम चाहते करेगा ना मैं मान लूंगा मस्जिद नबी में उनका खेमा लगाया गया था तंबू लगाया गया था वो वहां पर थे बुला कर लाओ तो वो एक गधे पर सवार होकर आए जब वो आए ना आ रहे आ रहे हैं सरकार ने फरमायांसार से फरमाया खड़े हो जाओ अंसार खड़े हो जाओ तुम्हारे सरदार आ रहे हैं क्यों खड़ा किया क्यों खड़ा किया जलील करने के लिए जलील करने के लिए नहीं ताजीम के लिए खड़ा किया ना अंसार को खड़ा किया तुम्हारे सरदार आ रहे हैं खड़े हो जाओ तो पता चला कि सरदार जो बड़ी शख्सियत हो है ना तो नीचे के लोग अगर खड़े होते हैं चाहे पीर हो चाहे बुजुर्ग हों चाहे आलिम हो अगर वहां और लोग खड़े हो गए उनकी ताजीम में कोई हर्ज नहीं है इसलिए खुद अल्लाह ने इनके दरमियान फर्क मरातब रखे हैं मरतबों में फ़र्क रखा अल्लाह कुरान में फ़रमाता है हलिया लदी यामल आलमून जो इल्मे हैं और जो इलिम वाले नहीं हैं क्या दोनों बराबर हो सकते हैं ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं ना तो और इसी तरह से और भी बहुत सी इस तरह की आयत हैं जहाँ अल्लाह ने फ़र्क मरातब रखा कि दोनों बराबर नहीं यहाँ तक अल्लाह ने कुरन में फरमाया सहबा आपस में बराबर नहीं है अम्बिया मुरसलिन बराबर नहीं है मकाम मरतबे नबूत और इसारत में सब बराबर एक में भी मान लिया कि इसकी नबूत थोड़ी कम थी इसकी ज्यादा थी आप काफिर हो जाएंगे नबूत तो और रिसालत सबकी बराबर लेकिन मकाम और मरतबे में फ़र्क अल्लाह कुरान में फरमाता है, तिलकर रसुल फजल बाग़ हमालाबाग ये रसूल हैं कि जिन्हें हमने बास को बास पर फजलत दी है मतलब कोई रसूल किसी रसूल से बढ़ कर हैं फिर आगे फरमा मन करमल आ, तकलीम आ, इन में से कुछ वो हैं कि जिन्होंने अल्लाह से कलाम किया बातचीत की है वो मूसा हैं है ना और इनमें से कुछ वो हैं वह बिन हम मन रफा आ, आ, रफा हम रफाए हम दर्जात इनमें से कुछ वो हैं कि जिन्हें अल्लाह ने दर्जो बुलंद किया है ना तीसरा पारे की भी हमारी तफसर हो चुकी है इस आयत की तो अल्लाह फरमाता कुछ वो हैं जिनको दर्जो बुलंद किया और फ़रमाते इस आयत से मुराद अल्लाह के रसूल हैं कि रब ने फरमाया वफ़ाला कर महबूब हमने आपको को दर्जों बुलंद किया है तो ये सबसे आला अल्लाह ने अपने महबूब को अतः फ़रमाया तो और रसूलों में भी फ़र्क है बल्कि सहाबा के मकाम व मरतबे में भी फ़र्क अल्लाह कुरान में फरमाता है कि फ़तः मक्का से पहले जो लोग ईमान लाए उन्होंने अपना माल खर्च किया अपनी जान क़ुरबान की वो और फ़तः मक् के बाद जो लोग ईमान लाएँ दोनों बराबर नहीं हो सकते दोनों मकाम व मरतबे में बराबर नहीं हो सकते जैसे कि फ़े फते मक् से पहले जितने भी ईमान लाए हैं उन्होंने बड़ा सख्त ज़माना देखा है बहुत सख्त और मुश्किल ज़माना देखा है और उन्होंने अपने आप पर सख्तियाँ झेल कर ईमान को कबूल किया है अपनी रजामंदी से और मक्का फतह हुआ तो बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने मजबूरी में इस्लाम कबूल किया अगरचे बाद में वो यानी कि इस्लाम कबूल करने के बाद उनका इस्लाम बहुत अच्छा हुआ बहुत पक्के सच्चे मुसलमान हुए लेकिन दोनों बराबर नहीं हैं दोनों बराबर नहीं है आपस में मकाम और मरतबे के अतबार से तो ये जो है अल्लाह ताला फरमाता है कि अब यानी ये तीन अकीदों को बयान फरमाया है शिरक ना करें अल्लाह की इबादत ही करें शिरक कि, किसी चीज़ को अल्लाह के साथ शरीक ना करें और एक दूसरे को हम किसी हुक्म का मालिक न बनाएं आगे अब फरमाता है फ़िन तवल अगर ये इनकार कर दें मुंह फेर दें बल्कि अब यहाँ अब यहाँ से अभी तो यह आयत नंबर चौंसठ भी अब हमारी बाकी है और पैंसठ भी अभी बाकी है हम आइंदा हफ्ते यहाँ से तफसर आगे बयान करेंगे वाखुर्द्लबालम्स वरह वकू